जिला सोलन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कसौली में हुए दोहरे हत्याकांड से भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है और नतीजन इन दिनों परवाणु में छिड़ी गैंग वॉर ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। जिला सोलन में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले कसौली में दोहरा हत्याकांड हुआ जिसकी गाज पुलिस अधिकारियों पर गिरी, उन्हें सस्पेंड तक कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कानून व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। पिछले तीन दिनों से परमाणु में कैंटर यूनियन और ट्रांसपोर्ट सोसाइटी के बीच गैंगवार चल रही है। एक दूसरे पर डंडों, तलवारों और तेज धार हथियारों से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने दोनों ओर से क्रॉस FIR कर इतिश्री कर ली है। अभी तक कोई भी सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। कैंटर यूनियन के अध्यक्ष हरदीप बाबा ने सोसाइटी पर आरोप लगाया था कि ट्रांसपोर्ट सोसाइटी भाजपा समर्थित लोगों की है और वे सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कैंटर यूनियन पर पुलिस की मौजूदगी में कब्जा कर रहे हैं। वहीं परवाणु ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लग रहे आरोपों का खंडन करते हुए सोसाइटी के सदस्यों ने अपना पक्ष मीडिया के समक्ष रखा और कहा कि उनकी सोसाइटी 2001 में बनी थी, जिस पर कैंटर यूनियन ने जबरन कब्जा कर लिया था और यूनियन में गाड़ी लगाने के लिए गुंडा टैक्स वसूलना आरंभ कर दिया था। कुछ गरीब चालक ये गुंडा टैक्स नहीं दे पाए और उन्हें मजबूरन अपनी गाड़ियाँ बेचनी पड़ी, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने ये मन बना लिया है कि वे इस तरह के गुंडा तत्वों को सोसाइटी पर हावी नहीं होने देंगे। डर के साए में जी रहे हैं इस टाइम, बिल्कुल ऐसे जी रहे हैं जैसे हम यहाँ की परवाणु में नहीं कहीं कश्मीर के किसी बॉर्डर पर रह रहे हैं, क्योंकि ये वेपन इनके पास होते हैं, हर एक चीज़ का हथियार ये यूज़ करते हैं और हम लोग जिम्मेदार लोग हैं। यहाँ की ज़मीनें जो परवाणु में हैं वो हमारी ज़मीनें अधिग्रहण की गई हैं, लेकिन आज हम पूरी तरह से बिल्कुल लैंडलेस तो हो ही चुके हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल रोजगार लेस भी हो चुके हैं। अगर हमें काम करना है वहाँ पे तो हमें मंथली देना होगा, जिसकी हमें कोई रसीद नहीं दी जाती है। सिर्फ ये बोला जाता है कि अगर काम करना है तो पैसे दो, नहीं तो तुम्हारी टांगे बाजू तोड़ दी जाएगी, तुम्हारी गाड़ियाँ तोड़ दी जाएगी, तुम्हें काल का परवाणु क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। जब पाकिस्तान बनाया जा रहा है, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरह जैसे ही कार्य हो रहा है इसको यहाँ से निकाला जाए। हम चाहते हैं कि जैसे बाबा हरदीप यहाँ पे जो भी कार्य कर रहे हैं शांतिपूर्वक से वहाँ पे कार्य हमारे को करने दे। ट्रांसपोर्ट सोसाइटी जैसे यहाँ पे चल रही है, इससे सभी ऑपरेटरों को फ़ायदा मिलेगा और जितनी भी इंडस्ट्री है उनको भी फ़ायदा मिलेगा। इतने मजबूर हो चुके हैं, दिहाड़ी लगा रहे जी, हम तो हमारी ये कंडीशन हो चुकी है, हम दहशत के माहौल में जी रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाती बार भी बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं। वहाँ के लोकल होने के बावजूद भी हम ऐसा महसूस कर रहे हैं हम वहाँ के नहीं हैं। हमारी मांग ये है कि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके अंडर ही सारा कार्य चला जाए और गुंडा तत्व को ख़त्म किया जाए। मेन चौक पर हरदीप बाबा ने हमारे ऊपर पथराव किया, जिनके साथ उनके भारत देशों के गुंडे थे आए हुए, उन्होंने ऊपर पथराव किया, उनके हाथ में डंडे, पत्थर, तलवारें थी और हमारी तीन गाड़ियों को उन्होंने तोड़ा है। हमारे तीन बंदों के बीच में चोटें आई है और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने खैर जो अपना काम तो उन्होंने किया है, लेकिन जो FIR दर्ज हुई है उसमें क्रॉस केस बना है, अब हमारे को उनसे जान का खतरा है। सोसाइटी के सदस्य पुलिस कार्रवाई से भी असंतुष्ट दिखे। अब उन्होंने चेतावनी दी है कि वे जल्द ही कैंटर यूनियन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।